आरा सीधी वर्ब आ रही है तब आपको उस वर्ब के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो वाक्य है उसको पहचानने के तरीके मैंने बताए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि परमानेंट अरेंजमेंट और टेम्पररी अरेंजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है अगर उसका सेंटेंस में प्रयोग करना है आपको, अगर आपको हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भर नहीं है तब सेंटेंस की स्थिति क्या रहती है, अंग्रेजी में वाक्य आपको किस प्रकार से दिया जाएगा, और जो ब्लैंक है उसके अंदर आप कौन से क्लूज, कौन से संकेत हैं जिनका सहारा लेकर के आप फिल इन द ब्लैंक्स की पूर्ति करेंगे। तो यह जो शब्द लिखाया था मैंने अभी आपको वाई ए एल आई, इसके स्थान पे मैं आपको दूसरा शब्द लिखा रहा हूं, गौर से देखना, और उसके जो एक एक शब्द है उनको आपको याद कर लेना चाहिए। आप लिखेंगे वाई ए जे आई एस, वाई ए जे आई एस, ये शब्द मैंने आपको लिखा है। आप इसे किसी भी रूप में लिख सकते हैं, एस ए जे मतलब एस ए जे वाई, कैसे भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि वाई ए जे आई एस से मेरा मतलब यह है कि आप इसमें से वाई को बाहर निकालो और वाई का मतलब समझो यट। अगर किसी सेंटेंस में यट शब्द का प्रयोग हुआ तो उसकी दो विशेषताएं होंगी। पहली बात, वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, यानी उसमें नॉट जरूर आएगा। दूसरी बात, वो सेंटेंस आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि वह अभी तक घर नहीं लौटी है, मुझे अंग्रेजी में इस बात को कहना है, वह अभी तक घर नहीं लौटी है, मैं इंग्लिश में कह रहा हूं, लिखना आप शी डिड नॉट रिटर्न टू होम।